कक्षा नौवीं चैप्टर नंबर टू बहुपद के दूसरे भाग में और एमसीक्यू करेंगे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 17 एमसीक्यू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें से कौन सा सत्य है, तो सबसे पहले हम समझ ले किसको क्या बोलते हैं। मान लो अंकगणित के माध्यम से ही समझते हैं, मान लो 8 है तो उसको हम 3 से भाग देते हैं, 3 × 6, तो यहां किसको क्या बोलते हैं, 8, इसको बोलते हैं भाज्य, यानी जिसको भाग देना होता है। भाजक क्या है यहां पे, 3, 3 क्या है भाजक, 2 क्या है भागफल, और ये वाला 2 क्या है शेषफल। तो 8 को कैसे लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 3 × 2 + 2, यानी कि ये क्या है 8 भाज्य बराबर 3 क्या है भाजक, 2 क्या है भागफल, और प्लस में क्या होता है शेषफल। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, जिसको भाग करते हैं भाज्य, जिसके द्वारा भाग किया जाता है भाजक, जो आंसर आता है भागफल, और जो शेष आता है दैट इज शेषफल। तो इसमें से ढूंढ ले, पहला ही ऑप्शन है ए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आगे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, शेषफल ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1 से भाग दिया जाए। तो यहां पर देखिए एक तरीका तो ये है भी, हम इसको भाग दे दें x प्लस 1 से तो शेषफल अपने आप आ जाएगा। दूसरा क्या है, शेषफल प्रमेय के द्वारा हम शेषफल निकालेंगे। शेषफल प्रमेय क्या है, ये जो जिससे भाग देना है उसका शून्य ज्ञात कर लेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना -1, तो जिसका शेषफल निकालना है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा शेषफल। जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x + 1, तो x की वैल्यू यहां पर -1 दे दें, 3 × -1² 3 − 1 + 1, तो ये -1 को 3 बार गुना करेंगे तो -1 प्लस 3 × 1, -1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1, -3 + 1, तो -1 + 3 - 3 + 1, 3 × 1 = 4, 4 - 4 = 0, शून्य। तो शेषफल कितना होगा यहां पर शून्य। तो शेषफल प्रमेय के द्वारा इस प्रकार हम डायरेक्ट शेषफल निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर शून्य। अगला क्वेश्चन नंबर 19 प्रैक्टिस के लिए है, तो ये भी ऐसे ही करना है। कहता है हमारे पास x माइनस a से भाग देना है, तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी 0, अगर हम शेषफल प्रमेय के द्वारा ज्ञात करें तो x³ - ax² + 6x - a, तो x की जगह पर कौन सी वैल्यू लिख दें a, तो a³ - a² + 6a - a, a³ - ये भी कितना हो गया a³, क्योंकि 2 ये रहा 1 ये रहा, प्लस 6a - a, तो a³ से a³ कैंसल, तो प्लस का 5a, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 5a, तो देखिए 5a इसके अंदर है ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, ज्ञात कीजिए कि बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। अब यहां पर शेषफल प्रमेय के आगे गुणनखंड प्रमेय, कौन सी गुणनखंड, हमने चेक करना होता है भी गुणनखंड है या नहीं। तो यहां पर डायरेक्ट अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो मेथड वही रहेगा, 7 + 3x = 0, तो 3x = -7, x = -7/3, तो ये हमारे पास जो है बहुपद है 3x³ + 7x, इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर चेक करेंगे, 3 - 7/3³ + 7 × -7/3,
तो देखिए तीन गुना में माइनस सात, माइनस सात, माइनस सात बटा तीन बटा तीन बटा तीन माइनस उनचास बटा तीन। तीन से तीन कैंसल, सात सात उनचास, उनचास गुना सात 243 बटा में नौ माइनस उनचास बटा में तीन। तो आप देख सकते हैं ये जीरो के बराबर नहीं है, नहीं है तो यह गुणनखंड नहीं है। तो उम्मीद है ये भी आप समझ चुके हैं, सिर्फ शेषफल निकालना था। अगर शेषफल जीरो आ जाता तो गुणनखंड है, अगर नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। आगे चलते हैं, के का मान ज्ञात कीजिए कि यह गुणनखंड है। x माइनस एक है तो x की वैल्यू कितनी होगी, वन। इसका मतलब गुणनखंड है तो शेषफल कितना आएगा, जीरो। तो इसमें पुट कर दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, जब इसके अंदर पुट करेंगे वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के बराबर में क्या लिख देंगे, जीरो। यदि गुणनखंड है, यदि गुणनखंड है तो एक प्लस के बराबर में जीरो, तो के की वैल्यू आ गई माइनस का टू, क्योंकि एक और एक दो, दो को इस साइड ले जाएंगे तो किस कैस का हो जाएगा माइनस का। तो इसका आंसर कौन सा है, डी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 22। अब हमने इसके फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो तीन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस चार। तो गुणनखंड करने के तरीके से फैक्टर मेथड के द्वारा करेंगे, माइनस एक्स के दो टुकड़े करेंगे जिनका जो है योगफल, यानी कि हल कितना हो माइनस एक्स, और गुणनफल कितना हो माइनस बारह का, इन दोनों की गुणा माइनस बारह का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर। तो क्या बनेंगे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस तीन एक्स माइनस चार, इन दोनों की गुणा करके देखिए माइनस बारह एक्स स्क्वायर, हल करेंगे तो वही माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहां से क्या कॉमन आएगा, एक्स तीन एक्स माइनस चार प्लस वन आ गया तीन एक्स माइनस चार। तो एक तो आ गया एक्स प्लस एक, एक आ गया तीन एक्स माइनस चार। तो पहला ही इसका आंसर है। तो उम्मीद है ये जो प्रैक्टिस है आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, यानी 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के गुणनखंड। तो गुणनखंड करेंगे भाई फैक्टर मेथड, 6x स्क्वायर, तो यहां पर 5x के जो टुकड़े करेंगे उनका योगफल तो होना चाहिए कितना, 5x, और जो गुणनफल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, माइनस 36x स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 9 और 6 बन जाएंगे, 9 चौका 36, प्लस का 9 लेंगे माइनस का 4x माइनस 6, 9 चौका 36, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, सॉल्व करेंगे तो 5। तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, 3x, 3x कॉमन आ गया, 2x प्लस 3, यहां से माइनस 2 कॉमन आ गया तो 2x जमा 3, तो 3x माइनस 2 बाहर रह गया, 2x प्लस 3 कॉमन आ गया। तो ये दोनों फैक्टर रहेंगे, आप देख सकते हैं 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3, तो इसका मतलब बी ऑप्शन है, कौन सा, बी ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप जल्दबाजी ना करें, कर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी इसी तरह का है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, तो यहां इसके फैक्टर करेंगे तो इसके अंदर योगफल कितना होना चाहिए, माइनस 7x, तो गुना कितनी होनी चाहिए, 12x स्क्वायर। तो 4 और 3 बन जाएंगे दोनों माइनस के, माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 1, यहां से क्या कॉमन आएगा, 4x, तो 3x माइनस 1, यहां माइनस 1 आ गया तो 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 कॉमन आ गया तो 4x माइनस 1, यानी 3x और 4x दोनों के अंदर माइनस 1, दोनों के अंदर माइनस 1, तो ऑप्शन इज ए, ए ऑप्शन इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आइडेंटिटी लगने वाली है, वो कौन सी है, 25 बटा 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटा में 9, जिसको हम 5 बटा 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं,
इसको हम y बटा 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आइडेंटिटी क्या है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एक बार प्लस x प्लस y एक बार माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वापस यही आएगा। तो यहां पर x की जगह पर कितना है 5x बटा में 2 प्लस y बटा में 3, तो 5x बटा में 2 प्लस y ओवर 3, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो देख सकते हैं इसके अंदर 2 है, 2 है, माइनस है, प्लस है, तो ऑप्शन इज ए। तो कौन सा आंसर है ए। आगे चलते हैं 26। 26 के अंदर क्या है, आइडेंटिटी है, ये भी सरल समीका है, सूत्र है, तो आप सूत्र को भली भांति जानते हैं, सूत्र को छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई, तो कौन सा आंसर है बी। आप इनको गुना करके भी इस तरह से निकाल सकते हैं, अगर आप भूल चुके हैं तो दोनों की गुना कर लें, गुना भी कितनी आएगी, इतनी ही आएगी। आगे एक्स क्यूब माइनस दो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस टू का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड मैंने आपको बताया है कौन सा होगा, आप वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, शून्य की अगर जीरो आ जाता है तो गुणनखंड है, वरना नहीं है। तो सभी इस प्रकार से चेक करेंगे, इसको जीरो के बराबर ले दें, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दो, तो फिर सेकंड थर्ड ऐसे चेक कर लें, पहला चेक करते हैं, तो इसमें पुट करें दो का क्यूब माइनस दो गुना में दो का स्क्वायर माइनस दो प्लस दो, तो ये हो गया आठ, दो दूनी चार दूनी आठ, माइनस का दो प्लस का दो, ये भी कट गए, ये भी कट गए, कितना आ गया शून्य। तो पहला ही इसका गुणनखंड है x माइनस टू, आप वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। आगे फिर आइडेंटिटी है, क्यूब की आइडेंटिटी है, ये भी आप करें, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई एक्स माइनस वाई, यहाँ सभी माइनस के निशान होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो माइनस माइनस यहाँ प्लस है गया, ये नहीं है, ये प्लस है, ये भी नहीं है, माइनस माइनस माइनस, तो कौन सा है सी, कौन सा है सी। तो उम्मीद करता हूं ये जो सेकंड लेक्चर था बहुपद का आपको अच्छा लगा है, इससे पहले वाला लेक्चर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत